जब अमिताभ बच्चन का बुरा समय चल रहा था ना, तो छोटे मोटे काम मिलने शुरू हो गए थे केबीसी के बाद, 2000 के बाद। तो उस वक्त अमिताभ बच्चन डेविड धवन के पास गए थे काम मांगने के लिए कि डेविड भाई कोई एकाध हिट मूवी दिला दो यार, कोई हिट मूवी करा दो। तो डेविड धवन उस वक्त बड़े मियाँ छोटे मियाँ की कहानी लिख रहे थे, तो स्क्रिप्ट उन्होंने अमिताभ बच्चन को सुनाई और कहा कि आपको ये मूवी एक हिट मूवी मिल सकती है आपके रिकॉर्ड में, बशर्ते इसमें जो छोटे मियाँ का रोल है आप उसके लिए गोविंदा को बस तैयार कर लो। अच्छा, तैयार कर लो, ये लाइन इसलिए कह रहे थे कि उस वक्त गोविंदा की छोटी बेटी का देहांत हुआ था, छोटी सी बच्ची थी, देहांत हुआ था, तो गोविंदा उस वक्त सदमे में थे, डिप्रेशन में थे, तो कोई फिल्म वगैरह साइन नहीं कर रहे थे वो। तो इसीलिए अमिताभ बच्चन को बोले कि आप अगर गोविंदा को तैयार करा लो छोटे मियाँ के रोल के लिए, तो ये मूवी निश्चित एक बड़ी हिट मूवी आपके करियर में शामिल हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन गए गोविंदा के पास, रिक्वेस्ट किया कि भाई मान लो, और गोविंदा ने अमिताभ बच्चन को हां कर दी। गोविंदा का मैंने इंटरव्यू सुन रहा था कोई, तो मैं वो बताते हैं कि उनका हां करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब गोविंदा का बुरा समय चल रहा था ना, उनके पास फिल्में नहीं थी और अमिताभ बच्चन की हम मूवी आने वाली थी, हम, उस वक्त गोविंदा अमिताभ बच्चन के पास काम मांगने के लिए गए थे और अमिताभ बच्चन ने गोविंदा को अपने मूवी में रोल दिया था। उस वक्त अमिताभ बच्चन ने यह नहीं सोचा होगा कि ये गोविंदा कभी मेरे काम आएगा, क्योंकि उस वक्त जब हम आई थी अमिताभ बच्चन अपने शीर्ष पर थे। लेकिन मदद की, सर लॉ नेचर प्रकृति ना, आप जब नेचर को कुछ देते हो ना, किसी की मदद करते हो ना, तो आप कभी सोच भी नहीं सकते किस फॉर्म में वो आदमी या वही मदद कोई और आदमी आपके साथ करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। और ये मेंटल स्टेबल, मानसिक मजबूती का निशानी होती है कि आप राह चलते कभी किसी की मदद करते चलो बिना कोई अपेक्षा रखे कि ये आदमी मेरी क्या मदद करेगा भविष्य में।